प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन पे भी क्लिक करो ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिल जाए। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह देही इलाकों में बहुत ज्यादा है, बल्कि आलमी बैंक के मुताबिक 80% गरीब आवाम देहात में मुकीम है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन गरीब अफराद की समाजी हैसियत बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन मंसूबा तैयार कर लिया है और ये ऐसा मंसूबा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक बिल गेट्स भी दुनिया से गुर्बत के खात्मे के लिए पेश कर चुके हैं। हुकूमत के अवलिन 100 दिन मुकम्मल होने पर मुनाकिद होने वाली खसूसी तकरीबें वजीर आजम इमरान खान ने इस मंसूबे का ऐलान किया, जिसके तहत मुर्गियों के जरिए पाकिस्तान में गुर्बत पर काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहाती खवातीन के लिए पैसे बनाने वाला बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया गया है। वजीर आजम का कहना था कि इन खवातीन को देसी मुर्गियों के अंडे और चूजे दिए जाएंगे और इस मंसूबे के लिए ज्यादा सरमाए की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे का तजुर्बा हो चुका है और इसके तहत जब हम इंजेक्शन लगाकर खवातीन की मदद करेंगे तो उनको ज्यादा प्रोटीन भी मिलेगा, जबकि फरोख्त करने के लिए मुर्गियाँ और अंडे भी होंगे। हमारी सारी कोशिश गरीब आवाम को ऊपर लाने के लिए है। लगभग यही मंसूबा 2 साल कबल बिल गेट्स ने भी अपने ऑफिशियल ब्लॉग में भी पेश किया था। उन्होंने लिखा कि अगर उनकी आमदनी भी इंतहाई गुर्बत में रहने वाले अफराद जितनी होती तो वो मुर्गियों की परवरिश करके समाजी हैसियत में इजाफे की कोशिश करते। उन्होंने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में कहते हुए तखमीना लगाया कि मुर्गियों की लागत बेशतर तरक्की पजीर ममालिक में $5 के लगभग होती है, तो रोजाना के $2 को खर्च करके वो एक माह में 12 मुर्गियों को खरीद लेते। चंद माह बाद उनके पास दर्जनों मुर्गियां होती जो कि पैसा कमाने की मशीन साबित होती और उन्हें बहुत ज्यादा आमदनी के साथ गुर्बत की लकीर से बाहर निकालकर दरमियाने तबके का बासी बुना देती। बिल गेट्स चाहते हैं कि कम आमदनी वाले घरानों को ऐसा ही करना चाहिए।